Hi there guys, today I'm going to tell you how to import and export products in WooCommerce. Let's move forward. We have to go to the products. First of all, we have to install WooCommerce, then we have to go to the products. We can see that had the three options: add, new, import and export. So in teenon mein se aapko कौन सा ऑप्शन करना है, एड न्यू यानी कि न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। मेरे पास दो फाइल हैं, उन दो फाइलों को मैं इंपोर्ट करूंगा, ठीक है जी। पहले तो फाइल एक्सपोर्ट करना ही, एक्सपोर्ट करने इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, फिर डिलीट करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स। मैं गया, मैंने इम्पोर्ट करा, मेरे पास पहले से कितनी प्रोडक्ट्स हैं मैं चेक करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये मेरे पास आठ प्रोडक्ट्स पड़ेंगे, ठीक है जी, आठ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल को जो मेरे पास डेस्कटॉप पर रखी हुई है उसको मैं इंपोर्ट करूंगा। ठीक है जी, ये फाइल है और दूसरी एक और फाइल थी हमारे पास, एक और फाइल हमने डाउनलोड कर लिया, ये सैंपल प्रोडक्ट्स। अब ये एग्जिस्टिंग मैच आईडी, इसको अपडेटिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मैंने नहीं कुछ नहीं करना, कंटिन्यू किया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद इसने सारी फील्ड्स मैप कर दिए, मैंने इम्पोर्टर चला दिया, रन द इम्पोर्टर। इसके लिए दोस्तों कोई एक्स्ट्रा प्लगइन की जरूरत नहीं है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका डिफॉल्ट भी हुआ था, वो कॉमर्स के अंदर ऑप्शन होता है इसका, नहीं उसके लिए सबसे पहले वो कॉमर्स इंस्टॉल्ड होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंपोर्ट हो रही है फाइल। ठीक है जी, फाइल हमारे पास इंपोर्ट हो गई है। मैं व्यू प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, ये कह रहा है लॉग देखने, लॉग देख लो भाई, इनवैलिड एंड डुप्लीकेट, ये वाली थी। ठीक है, हमने व्यू करी, 17 प्रोडक्ट इम्पोर्ट हुई है और एक फील्ड हुई है हमारे पास, वो डुप्लीकेशन की वजह से हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये पुरानी प्रोडक्ट्स थी, इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा पहले। ठीक है जी, पहले मैं व्यू करके आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट्स पहले 8 थी, अब देखें कितनी आ रही है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आ गई हैं, देखें हुडी, ये सारी पहले नहीं थी, पहले ये नीचे की 8 प्रोडक्ट्स थी जो कलर्ड इमेजेस आ रही हैं आपके पास। मैं व्यू ऑल प्रोडक्ट पे गया, यानी कि शॉप के पेज पे गया, सही, वहां पे बटन में लिंक नहीं लगा हुआ अभी। ये एक चंद इमेजेस थी जो प्रोडक्ट यहाँ पास आ रही है, देखें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही है बहुत सारी। तो अब क्या करते हैं, अब हम काम करते हैं, ये सारी डिलीट, जो हमने इम्पोर्ट करी डिलीट करेंगे, जो करंट थी उसको एक्सपोर्ट करके दोबारा इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली मैं डिलीट करता हूँ, सही है, इसको ट्रैश में डाल देंगे। और एक प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा, इसको भी डिलीट करेंगे, हम ट्रैश में डाल देंगे। ठीक है जी, और इसको अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, सही है। अब मैं क्या करा, मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने का कह रहा है ऑल कस्टम डेटा, मैंने कहा नहीं, डिफॉल्ट जो होता है वही सारी चीज आएंगी। मैंने जनरेट कर दी फाइल को, फाइल जनरेट हो गई और ये डाउनलोड होगी। मैं इंपोर्ट पे आऊंगा, ये मेरे पास ट्रैश में थी सारी, अब मैं देखता हूँ ट्रैश में पड़ी हुई नहीं पड़ी है, बस इनको मैंने ट्रैश, अच्छा सॉरी, ट्रैश तो वो डाली थी जो मैंने इंपोर्ट करी थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको ट्रैश में डालता हूँ दोबारा से, जो पुरानी प्रोडक्ट थी वापस नई वाली को डाल दिया ट्रैश में। अब हम इंपोर्ट पे गए दोबारा, जो एक्सपोर्ट करी थी वो दोबारा इंपोर्ट करेंगे। मैंने वो फाइल डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ये रही, इसको मैंने एग्जिस्टिंग, नहीं मैंने एग्जिस्टिंग पे नहीं लगा, इसको एग्जिस्टिंग वाले से डाटा से मैच करेगी, मैंने कहा नहीं ये चेक नहीं लगाते हम, रन कर इंपोर्टर चलाया, थोड़ी देर में हो जाएगी प्रोडक्ट्स का। मैं
ये हो गई। तो वही है भाई, एक फेल्ड हुई थी, डुप्लीकेशन को एरर आ रहा था, सात प्रोडक्ट्स दोबारा से इंपोर्ट हो गई जो कि ये रही। ठीक है जी, ये मैंने ट्रैश में डाली थी, ऑलरेडी पड़ी हुई है ट्रैश में पहले से ये, और ये दोबारा हमने इंपोर्ट कर ली है। ये देखिए ये न्यू फाइल्स और कुछ आगे पड़ी हुई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलते रहें। सलाम वालेकुम।